नमस्ते फ्रेंड्स, जीएसटी से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएसटी के रूल 88B के बारे में। इस रूल के अंतर्गत टैक्सपेयर को फॉर्म DRC-01C में इंटीमेशन जारी किया जाता है, तो इसी इंटीमेशन इन फॉर्म DRC-01C के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी को पता ही है कि जब हम GSTR-3B फाइल करते हैं तो उसमें जो ITC क्लेम करना होता है वो हमें GSTR-2B के हिसाब से करना होता है। जितना ITC GSTR-2B में आया है उतना ही ITC हमें GSTR-3B में क्लेम करना होता है। तो इस रूल के अंतर्गत अगर GSTR-3B में जो ITC क्लेम किया है वो ITC GSTR-2B में जो ITC है उससे अधिक है तो इस रूल के अंतर्गत टैक्सपेयर को इंटीमेशन जारी की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि इसका रीजन क्या है। इस रूल के अंतर्गत जो DRC-01C में इंटीमेशन जारी किया जाता है वो रेगुलर टैक्सपेयर्स को भी जारी किया जाता है, SEZ और SEZ डेवलपर्स को भी जारी किया जाता है। कैजुअल टैक्सपेयर्स या ऐसे टैक्सपेयर्स जो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ चुके हैं उनको भी जारी किया जाता है। ये जो DRC-01C का इंटीमेशन है इसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो इंटीमेशन का फॉर्म है और पार्ट बी जो है उसमें टैक्सपेयर को अपना रिप्लाई सबमिट करना होता है। जो टैक्सपेयर्स अपना GSTR-3B क्वार्टरली फाइल करते हैं उनके लिए DRC-01C क्वार्टरली जनरेट होगा और जो टैक्सपेयर्स मंथली GSTR-3B फाइल करते हैं उनके लिए मंथली बेसिस पर DRC-01C जनरेट होगा। जैसे ही DRC-01C का इंटीमेशन जनरेट होगा टैक्सपेयर्स को ईमेल और SMS के द्वारा बताया जाएगा और साथ ही उसमें एक रेफरेंस नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही टैक्सपेयर जो है GST पोर्टल पर लॉगिन करके भी इसे देख सकते हैं। उसके लिए उन्हें सर्विसेज वाले टैब में जाना होगा, उसके बाद रिटर्न्स वाले टैब में रिटर्न्स कंप्लायंस के अंदर ITC मिसमैच DRC-01C टैक्सपेयर्स को दिखाई देगा। यहाँ एक बात टैक्सपेयर्स को ध्यान रखनी होगी कि जैसे ही टैक्सपेयर्स को DRC-01C में इंटीमेशन जारी होता है तो उसमें जो समय दिया गया है उस समय के पहले उन्हें उसका रिप्लाई करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपना अगले महीने का GSTR-1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब इस इंटीमेशन के जारी होने के बाद इसका रिप्लाई करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि उसमें जो जानकारी दी गई है वो अगर टैक्सपेयर्स को मान्य है, उससे अगर टैक्सपेयर एग्री करता है तो उसे अपने लाइबिलिटी का जो रेफरेंस है उसका भुगतान करना होगा। इसके लिए उसे फॉर्म GST-DRC-03 का यूज करना होगा। पहले GST-DRC-03 में अपने लाइबिलिटी का भुगतान करना होगा, जो भी डिफरेंस है उसका पेमेंट करना होगा, उसके बाद उसका रिप्लाई सबमिट करना होगा। और दूसरा ऑप्शन, अगर टैक्सपेयर को जो इंटीमेशन में जानकारी दी गई है उससे वो टैक्सपेयर एग्री नहीं करता है तो उसके लिए वो एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है। तो उसके लिए दिए गए समय से पहले टैक्सपेयर को एक्सप्लेन करना होगा और अपना रिप्लाई सबमिट करना होगा। ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन करनी होती है, इसके लिए टैक्सपेयर को GST पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और अपना रिप्लाई सबमिट करना होगा। इतनी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन DRC-01C के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगे हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।